नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। अगर आपको पुराने सिक्कों का, पुराने पत्थरों का या प्राचीन वस्तुओं को देखने या खरीदने का शौक है तो ये शौक आप राजधानी लखनऊ के रेगनेंट होटल में पूरा कर सकते हैं। जी हां, यहां अवध न्यूमेटिक्स लखनऊ द्वारा 3 दिवसीय अवध मुद्रा उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से आए लोग अपने द्वारा संरक्षित किए हुए सालों साल पुराने नोट, सिक्के और पुराने समय के दुर्लभ आभूषण और वस्तुओं को प्रदर्शित करने के साथ उनको लोगों को बेच भी रहे हैं। यहाँ आपको ऐसी ऐसी पुरानी वस्तुएं दिखेंगी जो अब तक आपने केवल सुनी होंगी। यहाँ आपको 2.5 रुपए का नोट भी दिखेगा जो 3.5 लाख में बेचा गया, तो 60 लाख का 250 साल पुराना हुक्का भी नजर आएगा। सब एक से बढ़कर एक पुरानी और एक से बढ़कर एक मूल्यवान है। ऐसी ही कुछ हमारी धरोहर पुरानी संस्कृति को जनता से रूबरू कराने सी न्यूज की टीम भी पहुंची देखने, आज कुछ अलग ही एहसास करने अपने अतीत का, अपने पुराने समय का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत, मैं कनक मिश्रा आप सभी के सामने मौजूद हूँ होटल रेगनेंट में। यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगा है जिसमें पुराने सिक्के, पुरानी चीज़ें, पुरानी मूर्तियाँ, हमारी पूरी पुरानी सभ्यता के बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेलिंग में पता चलेगा। यहाँ पर मेरे साथ एक अंकल मौजूद है, मैं इनसे बात करूँगी कि आखिर ये सब है क्या और किस तरीके से इन सब ये सब चीज़ों के बारे में ये आपको बताएंगे। बने, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुंडरीक कुमार राजा था, पुंडरीक कुमार है जी, मैं बलरामपुर से बिलोंग करता हूँ, लखनऊ में रहता हूँ। ये बताइए कि ये जो एग्जीबिशन लगाया है आपने, तो थोड़ा इसके बारे में हमारी जनता को बताइए जो देख रही है। सबसे पहले तो आप ये प्राचीन हुक्के के बारे में बताइए। ये नवाबों के ब्रिगेड का हुक्का है जो लमसम 200 साल पुराना लगभग, और ये हमारे खानदान का है जी। और ये सारी चीज़ें जितने भी आप चांदी के आर्टिकल देख रहे हैं सब चांदी का ही है, और ये सिक्के हमारे कलेक्शन के जो हम पिछले 30 सालों से कलेक्शन कर रहे हैं। मुझे शौक है, क्योंकि हॉबी है तो मैं इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करता हूँ। आपने खुद कलेक्ट किए हैं जी? मैंने, दिखाइए जरा कैमरामैन कि क्या क्या कलेक्शन हुआ है। चांदी के भी निकल लो जरा, चांदी के भी हैं, सोने के भी सारे सिक्के हमारे पास, गुप्त काल के भी हैं, मुगल काल के भी हैं। और ये जो शानदार हुक्का लगा हुआ है, बहुत बेहतरीन सब अच्छा लगाया हुआ है, तो इसका थोड़ा सा आप व्याख्या कीजिए कि क्या है ये? पहले ज़माने में ये राजा महाराजाओं की बैठक में लोग बैठ के जब कोई चीज़ की मंत्रणा करते थे, सलाह मशवरा करते थे, तो बैठ के हुक्का, जिनके शौक़ होता हुक्का पीने का, तो बैठक लगा के बैठते थे और साथ में सामूहिक रूप से बैठ के बातें भी करते थे, कोई अपने कोई योजना बनाते थे, तो साथ ही साथ हुक्का वगैरह भी पीते थे। ये चांदी का हुक्का है और ये तकरीबन 10 किलो इसका वजन है। कितना पुराना है? ये 200 साल पुराना है। 200 साल पुराना जी। तो आप लोग देख सकते हैं शानदार हुक्के को, ये 200 साल पुराना है। जब राजा महाराजा बैठ करके आपस में बातचीत करते थे या समय को एंजॉय करते थे, आजकल जैसे आप लोग करते हैं जो हमारे युवा हैं, तो उसी तरीके से वो लोग भी हुक्का पी करके एंजॉय करते थे। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से, देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अद्भुत है। क्या नाम है आपका? दीपक से, इलाहाबाद से। बताइए कि ये सब जो आप लगा कर बैठे हैं, तो इन सब के बारे में हमारी जनता को बताइए जो देख रही है। ये सब क्या है कि लोगों के अवेयरनेस के लिए है कि उनके टाइम में कौन से सिक्के चलते थे, चलन में कौन से थे, कौन से सिक्के बंद हो गए हैं। ये सब ये कॉपर का है, कॉपर का है, ये पहले ये चलता था, ये करीब 100 साल पहले चलता था। और ये सब ये क्या है? ये सब भी कॉपर के क्वार्टर आने हैं, ये सब भी चलते थे पहले, जब ये नोट नहीं थी तब ये चलते थे। और जैसे कि 10 पैसा, 20 पैसा, 5 पैसा, 1 नया पैसा, पहले यही सब चलते थे, अब पुराने हो गए तो बंद हो गए, ये सब है। आइए दिखाते हैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें। यहाँ पर पुरानी चीज़ों की प्रदर्शनी लगी हुई है, जैसे कि अभी आपने बहुत सारी नोट और बहुत सारे सिक्के देखे, तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उधर से बात करते हैं क्योंकि बहुत भीड़ है, इतनी अच्छी चीजें यहाँ पर दिखाने को देखने को मिल रही हैं कि लोग एक्साइटमेंट में यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ मैडम, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है, बताइए ना, सुनील कुमार। अच्छा सुनील कुमार जी, ये बताइए कि ये सब क्या है, थोड़ा सा इसको हमारी जनता को एक्सप्लेन कीजिए। कुछ ये चीज ऐसी है, एंटीक पीस होती है, और ये अपना कुछ ऐसे है जैसे 1934 का, 1800 कुछ का है, उसके अंदर ये जैसे हुक्का है किसी जमाने का, अपना एक ऐसे होता था इसी जमाने का, थोड़ा छोटा है। ये अंगूठियाँ हैं, रिंग जमाने का,
हाँ ये सब आर्टिफिशियल भी होती है, कुछ वैसे भी होती है, सब इनका देखिएगा पहले। और बताइए कुछ कुछ और क्या क्या है जो सबसे, और ये देखिए सबसे बढ़िया ये सबसे यूनिक कौन है वो देखे, जैसे ये देखे इसको देखिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ ये सब चीज़ बता देती है, जैसे आपको ये करा कहाँ पर आप खड़े हैं कैसे ये सब। अच्छा ये पहले जमाने में लोग इससे दिशा देखते जी 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 सर, ब्रिटिश की फोटो ये देखिए। अच्छा आइए इसमें से जितनी भी चीज़ें लगी हैं इसमें से देखते हैं सबसे यूनिक चीज़ क्या है और उसके बारे में इनसे पूछते हैं। ये सब क्या है? अच्छा नेकलेस है, शराब की बोतल। हाँ उर्दू में लिखा गया है, जैसे गले में कोई तंत्र विद्या वगैरह करते हैं ना तो बच्चों को कोई नजर वगैरह लग जाती है तो इसको लगाते हैं। तो इसके खरीदने के प्राइस क्या है? आदमी देख के, जो भी आदमी देख के मतलब अच्छा मतलब आदमी देख के आप प्राइस नहीं नहीं जैसा कोई चीज आप लिया है अब कितने का क्या देगा ऐसे भी तो होता है, जब पुरानी चीजें रखी है इसका देखने में तो 15-20-25 हजार किसी जमाने में था, लेकिन आज देखा जाए तो ये 100 रुपए के ऊपर का ही होगा बस यही सब चीजें सेवा की। ये सब अंगूठियां कितने की दे रहे हैं? ये 300 रुपए की है, 500 रुपए की है, 200 रुपए की है। जी इसमें खास क्या है? ये तो 10 रुपए की मिलती है। नहीं वो चीज अलग है, ये चीज अलग है, ये सब धातु की बनी है। ये देखिए इधर देखिए सिक्के लगे हुए हैं इसमें, हाथ से सिक्के बन नहीं सकते। अच्छा गुजरात में, हाथ में दिखाइए। ये देखिए आप सब देख सकते हैं ये पर्स है, ये गुजरात में गुजरात की पर्स है शायद, या गुजरात में यूज होता है ऐसे ही कुछ बता रहे हैं। छेद वाले सिक्के से बनी हुई पर्स है। ठीक है अब ये सब चीज कहां होती है आज? अच्छा ये बताइए कि ये कब तक लगी हुई है? आज लास्ट है, कल लास्ट है। अगर कोई इंटरेस्टेड है, आप लोग जो मेरे दर्शक मुझे देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर आकर के अपनी मनपसंद चीज़ें खरीद सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीज़ें, आइए हम बात करते हैं किसी और स्टॉल पे चल करके देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पर हमारे जो सीनियर सर हैं वो भी बहुत कुछ देख रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर ये सब क्या है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम शहजादे है। अच्छा तो ये सब क्या है, इसके बारे में हमारी जनता को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए जो देख रहे हैं। ये पाइराइट स्टोन है, इसको आजकल पूरे इंडिया के लोग जो है पसंद कर रहे हैं। बहुत भारी है ये जी। ये जो है वो आयरन और सल्फर का कम्बिनेशन होता है, ये बहुत खूबसूरत स्टोन है, सारी दुनिया के लोग इसको आजकल पसंद कर रहे हैं, ये सब लोग घर में रखते हैं इसको। क्या होता है घर में रखने से? धन की वर्षा होती है। कितने रुपए का है ये जी? इसका प्राइस क्या है? ये बहुत सस्ता है, 10 रुपए 11 रुपए ग्राम, बस ग्राम ग्राम पर ग्राम। ये सब चीजें क्या है? ये सब लखनऊ लखनऊ की आर्ट है, ये सिल्वर के ऊपर जो काम होता है इसके ऊपर सब हैंड वर्क होता है। ये मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये सब सिल्वर के ऊपर हैंड वर्क है पूरा, ये रियल पर्ल है। ये सब साइड में फिरोजे लगे हैं, सेंटर में अकीक है, और ये हैंड वर्क से ये कैलियोग्राफी की गई है इसके ऊपर। क्या प्राइस है ये? 5,000 रुपये। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप कल तक यहाँ आ सकती हैं, क्योंकि कल ही आखिरी मौका है आपके पास। बहुत सारी प्राचीन चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, आप खरीद सकते हैं यहाँ पर आकर के। और मैंने यहाँ का एड्रेस आपको अपनी वीडियो के इंट्रो में बता दिया था बारे में, और सब सिक्कों के बारे में जी। पुरानी मूर्तियाँ, पुरानी मूर्तियों की नहीं है, नोटों की, सिक्कों की, नोटों की और सिक्कों की। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ये नोटों की और सिक्कों की किताबें भी यहाँ पर हैं, आप आकर के यहाँ से इसको ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, आप यहाँ से आकर के इसको परचेज कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। बात करते हैं यहाँ पर इस स्टॉल पे, देखते हैं यहाँ पर क्या है। क्या नाम है आपका? रजनीश। इन सब चीज़ों के बारे में हमारी जनता को बताइए। क्या इन सब चीज़ों के बारे में हमारी जनता को बताइए कि ये सब, हाँ सिक्कों के बारे में कि कितने प्राचीन हैं। सिक्कों के बारे में क्या बताऊँ, ये सरकार बनाती है सारे सिक्के, इसमें कमेमोरेटिव अलग अलग निकलते हैं, ये राम मंदिर के ऊपर बनाया है। तो इसी तरह 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए 75 रुपए 90 रुपए और इवन 1,000 रुपए तक का बना सकता। मोदी जी की मन की बात,
खोल के दिखाइए मोदी जी की मन की बात। ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, मन की बात दिखाना। ये मोदी जी की मन की बात 100 रुपए की है। ये लीजिए, तो जैसा कि आप सभी ने देखा यहाँ पर तरह तरह के सिक्के बने हुए हैं। आइए हम किसी और स्टॉल पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ खास है। क्या नाम है आपका? अमान सिद्दीकी। अच्छा सिद्दीकी साहब, थोड़ा सा इन सब के बारे में बताइए। ये आपके एंशियंट कॉइन्स हैं, 16 माह जनपद के, कुशाण के, गुप्ता के। इसको खोल के दिखाइए। इसमें राइट फ्रॉम फर्स्ट जनपद से लेकर के जो हमारे 16 माह जनपद हैं, 16 माह जनपद के अलग अलग डिनोमिनेशन, अलग अलग मटेरियल में सिक्के हैं। इसमें बैंड बार भी आप देख सकते हैं, काशी का हाफ रुपी है, हाफ खर्चा पाना है, फुल खर्चा पाना है। कौशाम्बी के कॉइन्स हैं इसमें, इसमें पांचाल के हैं, इसमें आपके कौशल के हैं, गुप्त काल के भी सिक्के हैं, कुशाण के गोल्ड कॉइन भी है इसमें। उसी तरीके से उधर आपको मुगल भी मिल जाएंगे। अच्छा, ये मुगल, ये सारे मुगल वाले हैं। इसमें मुगल कॉइन है राइट फ्रॉम बाबर हो गया, आपके हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, उनके शाहरुखीज़ हैं। बाबर ने जो इलाही मंथ अपना चालू किया था उसके 12 महीनों के सेट है। उसके अलावा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांदार शाह, राइट फ्रॉम लेटर मुगल्स और अर्ली मुगल्स दोनों के कॉइन हैं। मेरा जय किशन सिंह चौहान। इन सिक्कों के बारे में थोड़ा सा हमारी जनता को एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्या है। मेरे पास एंशियंट पीरियड से लेके मिडिवल, फिर मुगल्स, सभी के कॉइन्स अवेलेबल हैं। जैसे ये हैं अशोक मौर्य के कॉइन्स हैं, ये अशोक मौर्य के। इसको ओपन करके दिखाइए, मैं उधर आ जाती हूं, आप बताइए क्या। ये अशोक मौर्य के कॉइन्स हैं सिल्वर के, ये अशोक मौर्य के कॉपर कॉइन्स हैं, ये वल्बी जो गुजरात में वल्बीपुर थे उनके कॉइन्स हैं, ये वल्बी के कॉपर्स मिक्स एलॉय के कॉइन्स हैं, ये इन ससानियन कॉइन्स हैं, ये शुंग डायनेस्टी के कॉइन्स हैं, ये पाला डायनेस्टी है, ये चालुक्यास कॉइन्स हैं, ये गुप्ताज कॉइन्स हैं। उसी तरह मेरे पास गुप्ताज के सिल्वर कॉइन, गोल्ड के भी कॉइन्स हैं। ये बीट्स हैं, पुराने ज़माने में इंडिया मीन्स ज्वेलरी पहनना मोस्ट ऑफली इंडिया ने ही बताया दुनिया को, क्योंकि वो लेडीज़ ऑर्नामेंट्स और मीन्स उसी टाइम वो करते थे और ये ट्रेड में भी यूज़ होता था। बाहर से पैसे आते थे और यहाँ से ऑर्नामेंट्स बाहर जाते थे। क्या नाम है आपका? निखिल पारेख। इन सब चीज़ों के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए जो वो देख रहे हैं, तो आप एक्सप्लेन कीजिए कि ये सब क्या चीज़ें हैं। ये सब एक्चुअली स्टेशनरी है कि आप नोट लेकर आते हैं लेकिन किसी को बराबर रखने को उसकी सही तरीका नहीं मालूम है, तो ये प्लास्टिक हाई क्वालिटी ताइवान का है, इंडियन नहीं है। इंडियन 40 माइक्रोन का आता है उसका थिकनेस, और ये 60 माइक्रोन है, तो 60 माइक्रोन में ताइवान का, उसमें एसिड फ्री रहता है, ऑयल फ्री, एसिड फ्री, तो अपनी नोट की पेपर की कंडीशन ऐसे के ऐसी रहती है। ये मैग्नीफाइंग है, वो दूर का नज़दीक दिखेगा, बड़ा दिखेगा वैसा। ये देखिए बर्थडे नोट है हमारा, ये 23/12 यानी दिसंबर महीना हुआ, 04 यानी 2004 आपकी बर्थडेट बताइए, सेम नंबर अभी का अभी ढूंढ के दे दूंगा ओरिजिनल नोट में। अच्छा, मेरी बर्थडेट है 19 जनवरी 2005। उसके क्या कॉस्ट होते हैं? ये 100 रुपया ये सब पैकिंग के साथ आएगा, 100। अच्छा, ओरिजिनल 10 रुपए की ओरिजिनल नोट आएगी 100 रुपए में। यू कैन गिफ्ट इट टू एनीवन, किसी को भी गिफ्ट दे सकते हैं आप। तो जो मेरे दर्शक हैं वो अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या कभी भी आपके किसी जानने वाले का बर्थडे है, आप उनको इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आकर के कल तक इसे खरीद सकते हैं, क्योंकि ये कल लास्ट डेट है, कल के बाद ये यहाँ पर जो एग्जीबिशन लगा है ये हट जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय डिंगरा है। सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये सब क्या है। ये मेरे पास स्मारक सिक्के हैं, स्मारक सिक्के जो होते हैं भारत सरकार इशू करती है किसी विशेष उत्सव पे या किसी विशेष व्यक्ति पे, जब वो सिक्का इशू करती है तो ये मिंट में लिमिटेड एडिशन होते हैं और वो लिमिटेड एडिशन कॉइन आपको ऑनलाइन मिलते हैं, आप मेरे से भी ले सकते हैं
आप हमसे भी ले सकते हैं, मिंट से भी ले सकते हैं। ये करुणानिधि जी का कॉइन है, जैसे ये करुणानिधि जी का कॉइन है, ऐसे ही ये रिजर्व बैंक के ऊपर, भारतीय रिजर्व बैंक के 90 साल पूरे होने पे ये सिक्का दिया गया है। इसका जो रेट मिंट में है उसी रेट पे हम यहाँ बेच रहे हैं, 1 रुपया भी प्रीमियम नहीं लेते। आप ऑनलाइन मांगेंगे गवर्नमेंट उसी रेट देगी, उसी रेट पे हम दे रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।